वेलकम टू माई चैनल नौकरी लो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि IBPS और SBI PO एग्ज़ाम्स या कोई भी दूसरे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो रिसाइज कैसे करें, वो भी बिना कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए ऑनलाइन ही कैसे एडिट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे एडिट करें, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिर्फ फ़ोन से ही कैसे एडिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लैपटॉप या कंप्यूटर में फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम को खोलिए। गूगल क्रोम में जाके आप यहाँ पे फोटो रिसाइजर या फिर इमेज रिसाइजर कुछ भी आप लिखिए। उसके बाद फिर जो पहला वेबसाइट आएगा reduceimages.com, आप इस वेबसाइट को खोलिएगा। इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ये सेलेक्ट इमेज पर आप क्लिक कीजिएगा। आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2.22 MB का इमेज है, मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। ये इमेज यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्वालिटी सेट कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक और SBI में आपका अराउंड 50 KB के अंदर का फोटोज़ होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 30% करके देखता हूँ। रिसाइज इमेज पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नाउ रिसाइजिंग लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ चुका है, देखिए ये 46.87 KB का इमेज हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि ये फिर भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे 25% कर सकते हैं, थोड़ा और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 41 KB का आ गया। सपोज़ कि ये भी आपको ज़्यादा लग रहा है, आप यहाँ पे 15% भी करके देख सकते हैं। 15% को ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, मैं यहाँ पे 20% करता हूँ। ओके, रिसाइज इमेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले, सेव करने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये कितना KB का है। सपोज़ कि आप सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि इमेज डाउनलोड हो चुकी है। सो ये तो हो गई लैपटॉप की बात है। अब सेम वेबसाइट को मैं अब मोबाइल में भी खोल के दिखाता हूँ। ओके, सो मोबाइल में एडिट करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलिए। गूगल क्रोम में यहाँ पर गूगल पे आप यहाँ पे सर्च कीजिए reduce image size। ओके, ये आ चुका है सबसे पहला वेबसाइट, आप इसको खोल लीजिए। और उसके बाद जो आपने लैपटॉप में किया था, यहाँ पर आप इमेज को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट इमेज पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर फाइल्स आएंगे, आप यहाँ पे फाइल्स में अपने ही इमेज को सेलेक्ट कीजिए जो इमेज को आपको रिड्यूस करना है। मैं यहाँ पे अपना ही फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ द फोटो, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपका क्वालिटी का ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहाँ पे अपने हिसाब से 40% मैं यहाँ पे लेता हूँ। रिसाइज इमेज पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 19.46 KB का इमेज आ चुका है। अगर मुझे ये ज़्यादा घटाना या बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से आके इमेज क्वालिटी पे 50% या 60% कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 60% किया। अब देखिए ये है इमेज 25.55 KB का। अगर मेरा KB सही आ रहा है, तो मैं इससे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर लूँगा और ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे मोबाइल में। सो इस तरह से हम लोग जो है मोबाइल में भी किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं और उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को एडिट कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर कोई डेस्कटॉप हो। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर मोर वीडियोज़।